a galaxy of learned intellectuals, scholars, friends and dear beloved students. This is Suresh Bhardwaj with proverb. Let us understand what is the proverb and how does it function, how does it affect a man in his communication. कम्युनिकेशन में ये प्रावर कैसा प्रभाव डालता है. प्रावर मीन्स कहावत या लोकोक्ति. कहावत क्या होता है? शॉर्ट वेल नोन, बहुत छोटे से वाक्य होंगे और प्रसिद्ध होंगे. वाइज विट्टी, बिल्कुल बुद्धि परक रिमार्क होंगे, टिप्पणी होगी. ऐसे सेंटेंस होते हैं, फ्रेज भी हो सकते हैं, सेइंग कहावत हो सकती है, नीत के वचन, मैगजीन और डिटेक्टिक उपदेश देने वाले या शिक्षाप्रद या फॉरेस्टिक सूत्रात्मक या सूक्ति संबंधी सेंटेंस होते हैं. एपोथेम की तरह होते हैं, कंसाइज सेइंग और मैगजीन. कंसाइज संक्षिप्त कुछ कम शब्दों में और बहुत ही सारगर्भित बुद्धिपरक शिक्षाप्रद शिक्षात्मक वाक्य. भिन्न भिन्न लेखकों के राइटर के ये सेंटेंस होते हैं, रिमार्क होती हैं, टिप्पणी होती हैं. प्रावर्ब उन्हें हम कहते हैं प्रोवर्ब. यहाँ देखिए, अ वर्ब दैट डिपेंड्स ऑन अदर वर्ब फॉर इट्स मीनिंग. मीनिंग के लिए एक वर्ब दूसरे वर्ब पर डिपेंड होता है, प्रोवर्ब. तो हियर हम लोग अध्ययन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एक्सट्रीमली यूजफुल प्रोवर्ब फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन पार्ट फर्स्ट. पार्ट फर्स्ट में कुछ हम कम्युनिकेशन लेते हैं, ये सेंटेंस लेते हैं प्रोवर्ब को, सेइंग को, और इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे काम करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, बोलचाल में, लिखने में. तो देखिए, अ वर्ड इन हैंड is better than two in the bush. What does it mean? Two in the bush. Now nagar na tera ubhav. Meaning, now nagar na tera ubhav. क्या अर्थ हुआ कि नगद में नगद आपका नगदी नगद मिल जा रहा है. नौ नगद न तेरा उधार. अबाउट इन हैंड, हाथ में एक चिड़िया. इज बेटर देन टू इन द बुश. झाड़ी में दो चिड़िया की अपेक्षा आपके हाथ में जो एक है वही बेटर है. मीन्स नौ नगद न तेरा उधार. हिंदी इसका इसके भाव में आया, ये हिंदी में आपका है. और अवार्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश इंग्लिश में एक्सप्रेशन है फॉर योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ओके, ऑल इज वेल, एक शेक्सपियर की लाइन है. ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल. ऑल इज वेल, सब ठीक है, दैट एंड्स वेल, जिसका अंत अच्छा है. अंत भला सो सब भला. अंत भला तो सब भला. अंत भला तो सब भला. अंत भला तो सब भला, ये हिंदी एक्सप्रेशन, हिंदी अभिव्यक्ति. और इंग्लिश में ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, सब कुछ ठीक है यदि वह अच्छी तरह से समापन हो जाता है, संपन्न हो जाता है. अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स, रंगों का. ये ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स. एक अंधा आदमी इज नो जज ऑफ, जज नहीं ऑफ कलर्स, रंगों का. वो आंखें नहीं तो क्या देखेगा, क्या करेगा. तो इसका हिंदी में आता है, बंदर क्या जाने
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अदरक का स्वाद। इन हिंदी आपका, हिंदी में आपका एक्सप्रेशन है बातचीत या लिखने में आप प्रयोग करते हैं, बट इन इंग्लिश अ ब्लाइंड मैन इज नो जज ऑफ कलर्स से उसका भाव निकाल सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, लिख पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो दीज आर द प्रोवर्ब्स, ओके, जनरली यूज्ड, आर टू बी यूज्ड इन योर कम्युनिकेशन टू मेक इट वेरी इफेक्टिव। बड़े प्रभावकारी ढंग से इन शब्दों का या ऐसी भाषा का प्रयोग हमको करना चाहिए, सीखना चाहिए। एज यू सो, सो यू री, री काटना, एज यू सो जैसा आप बोते हैं, जैसा बोएंगे, सो यू री वैसा ही काटते हैं, काटेंगे। हिंदी में आपका जैसी करनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप करेंगे तो वैसा ही फल भोगेंगे। इन इंग्लिश एज यू सो, सो यू री, ओके। ऑल कवेट, कवेट मीन्स लालच या लालचीपन। ऑल लूज, ऑल लूज, कवच लालच, ओके। ऑल आधी छोड़ सारी को धावे, लालच में क्या होता है, आधी छोड़ सारी को धावे, सारी को धावे, सारी को धावे, तो क्या हुआ, आधी आधी रहे न सारी पावे, आधी रहे न सारी पावे। क्या मतलब, जो मिला है ऑल कवेट, लालच, कवेट मीन्स लालच, सब लालच, सब खो दिया, आधी छोड़ सारी को धावे, आधा छोड़ आप सारा की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो आधी रहे इधर, आधी का, आधी का चला गया और न सारी पावे, वो सारी भी नहीं मिला आपको, आधी रहे न, आधी नहीं रही और सारी न सारी पावे, सारी भी नहीं मिली, आधी रहे न। तो ये है ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, जो चमकता है, सब जो चमकता, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चमकता है वो सोना ही नहीं होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, जो चमकता है वो सोना नहीं होता है, मीन्स दूर के ढोल, दूर के ढोल सुहावने, सुहावने, इस अर्थ में, इन दिस सेंस, दूर के ढोल सुहावने, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यस डियर जस्टर, यू आर लर्निंग, यू आर यूजिंग दीज प्रोवर्ब्स, डेवलप योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, रिमेंबर दीज, लर्न बाय रोट फॉर योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, एन एक्सियम, एन एक्सियम, एन एक्सियम, एक्सियम एक सक्ति, एक्सियम मीन सक्ति, रिक्वायर्स, रिक्वायर्स नो प्रूफ, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। एन एक्सियम एक सुक्ति, एक सुक्ति रिक्वायर्स नो प्रूफ, इसको प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या। एन एक्सियम सुक्ति, एक्सियम मीन्स सुक्ति, जो सुक्ति है, जो जगत प्रसिद्ध है, कोई
रचना या एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति रिक्वायर्स नो प्रूफ, प्रूफ की उसकी जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे को फारसी क्या हाथ कंगन को क्या एन एम्पटी वेसल नेक्स्ट एन एम्पटी खाली वेसल बर्तन एन एम्पटी वेसल खाली बर्तन मैक्स मच नॉइज मैक्स मच नॉइज खाली बर्तन है तो वो ज्यादा घनघनाता है तो क्या हुआ थोथा चना बाजे घना थोथा चना बाजे घना मीन्स इम्पटी है खाली बर्तन है तो ज्यादा आवाज करेगा भरा हुआ होगा तो नहीं आवाज करेगा। इसका हिंदी में एक और आता है अध जल गगरी छलकत या अध जल गगरी छलकत छलकत जा इन दिस सेंस दिस एक्सप्रेशन एन एम्प्टी वेसल नेक्स्ट मच नॉइज। तो इन प्रोवर्ब्स का आप यू मे यूज इन योर इंग्लिश राइटिंग एंड स्पीकिंग इन योर कम्युनिकेशन। ओके डियर विश यू ऑल द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट थैंक यू।